dear students and faculty members of zoology, botany, biotechnology, microbiology, biochemistry who are watching this channel of Lohia College Churu. जैसा कि आपको मालूम है कि डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी लोहिया कॉलेज चूरू के द्वारा जूलॉजी की अलग अलग सब्जेक्ट्स में व्याख्यानमालाएँ आयोजित की जा रही है. पूर्व में डेवलपमेंट बायोलॉजी और क्लासिफिकेशन पे एक व्याख्यानमाला प्रसारित हो चुकी है. वर्तमान में जेनेटिक्स और मॉलिकुलर बायोलॉजी की व्याख्यानमालाएँ चल रही है. इसी सीरीज में आज के व्याख्यानमाला में न्यूक्लिक एसिड पे मैं आपसे चर्चा करूँगा. न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, न्यूक्लिक एसिड की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है, इसमें क्या सीक्रेट है वो छिपा हुआ है. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द टॉपिक न्यूक्लिक एसिड. अब न्यूक्लिक एसिड में थोड़ी बहुत आइडिया अपने को लग रही है. न्यूक्लिक, न्यूक्लिक मीन्स न्यूक्लियस. इसका मतलब ये भी जो केमिकल है या जो भी मॉलिक्यूल है ये डेफिनेटली न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता होगा. एसिड का मतलब है इसकी जो केमिकल नेचर है वो एसिडिक प्रकृति की होगी. तो सबसे पहले फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिक एसिड्स को मवाद की कोशिकाओं में ऑब्जर्व किया था, पस सेल्स में, और इन्होंने इसका नाम न्यूक्लिन रखा. फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लिक एसिड वाज ऑब्जर्व्ड इन पस सेल बाय फ्रेडरिक मिशर एंड ही कॉइन्ड द टर्म न्यूक्लिन फॉर दीज एसिड्स. इसके बाद में रिचर्ड अल्टमैन ने इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा. रिचर्ड अल्टमैन, इन्होंने इसका नाम न्यूक्लिक एसिड रखा. लेकिन न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर कैसी है, न्यूक्लिक एसिड कैसे बनता है, इनके बारे में इनको कोई आइडिया नहीं थी. तो बेसिकली जो न्यूक्लिक एसिड है इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. एक तो डीएनए, डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, एंड सेकेंड इज आरएनए, आरएनए स्टैंड फॉर राइबो न्यूक्लिक एसिड. आरएनए जो है ये भी दो टाइप का है, एक तो जेनेटिक आरएनए या आनुवंशिक आरएनए और सेकंड इज नॉन जेनेटिक आरएनए या अनुवंशिक आरएनए. जेनेटिक आरएनए तो वो होता है जो जेनेटिक मटेरियल का कार्य करता है, क्यों कुछ वायरस ऐसे हैं जिनके अंदर डीएनए नहीं होता है, और डीएनए नहीं होता है तो उनमें आरएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा. जैसे एचआईवी वायरस है, अभी हाल में जैसे ये कोरोना वायरस चल रहा है, इसके अंदर डीएनए नहीं होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, और आरएनए से ये फिर अपने अकॉर्डिंग जो भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है उसको ये सिंथेसाइज कर सकता है. नॉन जेनेटिक आरएनए जो होते हैं ये फंक्शन की बेसिस पे तीन प्रकार के होते हैं. एक तो मैसेंजर आरएनए, सेकंड इज ट्रांसफर आरएनए, थर्ड इज राइबोसोमल आरएनए. मैसेंजर आरएनए जो होता है इसमें जेनेटिक कोड प्रेजेंट होता है. ट्रांसफर आरएनए जो होता है ये प्रोटीन सिंथेसिस के में एमिनो एसिड्स को ट्रांसफ़र करता है, और आरआरएनए जो होता है ये एक्चुअल में राइबोसोम की फॉर्मेशंस करता है. और बॉडी में जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है इन सभी न्यूक्लिक एसिड्स की आवश्यकता होती है. जो डीएनए है उसके अंदर तो जीन्स प्रेजेंट हैं, और जीन की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा एमआरएनए में ट्रांसमिट होती है. एमआरएनए में कोडन की सूचना प्रोटीन में एमिनो एसिड के रूप में ट्रांसलेट होती है. तो एक तरह से ये सेंट्रल डॉग्मा होता है. डीएनए की इन्फॉर्मेशन एमआरएनए में ट्रांसफ़र हुई, एमआरएनए की सूचना प्रोटीन में ट्रांसफ़र हुई, और पहले ये मानते थे कि ये जो सूचनाएँ होती है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होती है. लेकिन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में बहुत डेप्थ में डिस्कवरी हो चुकी है, और सेंट्रल डॉग्मा का जो
कंसेप्ट है वो वर्तमान में फ्लो है। आजकल ऐसे कई एनिमल्स हैं जिसमें आरएनए से डीएनए बन सकता है, डीएनए से प्रोटीन बन सकता है, प्रोटीन से डीएनए बन सकता है। तो सभी तरह के जो पाथवे हैं वो आजकल पॉसिबल है, क्योंकि लाखों की संख्या में कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अलग अलग तरह की सेल्स हैं, और हर सेल में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो कैसे होगा वो अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। तो ये एक आउटलाइन खाका है इस न्यूक्लिक एसिड्स का। न्यूक्लिक एसिड दो तरह के हो गए, डीएनए, आरएनए। आरएनए भी दो तरह के हो गए, जेनेटिक आरएनए, नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए भी तीन तरह के हो गए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। अब इन सब की एक एक डिटेल में अपन स्टडी करेंगे। तो आज डीएनए के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। टुडे माई लेक्चर इज फोकस ऑन डीएनए, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। सो आज डीएनए के ऊपर मैं ये व्याख्यान फोकस करूँगा। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए जो होता है ये तीन कंपोनेंट का बना होता है। न्यूक्लिक एसिड कोई भी हो, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, इन सभी में मुख्य रूप से तीन कंपोनेंट्स पाए जाएंगे। पहला जो कंपोनेंट है ये तो है सुगर। सुगर डीएनए में होती है डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सी राइबोज शर्करा। इसको केमिकली आप इस तरह दिखा सकते हो। ये इसमें पहला कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, ये फोर्थ कार्बन है और ये फिफ्थ कार्बन है। तो डीऑक्सीराइबो शर्करा जो होती है वो पांच कार्बन की बनी होती है। और डीऑक्सी शब्द इसलिए काम में लिया जा रहा है कि इसका जो सेकंड कार्बन है इसमें हाइड्रोक्सिल नहीं है। हाइड्रोक्सिल में ऑक्सीजन है वो यहाँ पर रिमूव हो गई है, हट गई है, इसलिए इसको डीऑक्सी यानी ऑक्सीजन एब्सेंट। और राइबो शर्करा जो होगी उसमें सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल में उपस्थित होगा, इसलिए डीऑक्सीराइबो शुगर जो होती है इसका मॉलिकुलर वेट राइबो शर्करा की तुलना में कम है, क्योंकि इसमें एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो डिलीट हो गया। सेकंड कंपोनेंट इसमें होता है फॉस्फोरिक एसिड। थर्ड कंपोनेंट फॉस्फोरिक एसिड जो कि H3PO4 के रूप में रिप्रेजेंट होता है। इसका डिटेल फॉर्मूला जो है वो इस तरह भी हो सकता है, फॉस्फोरस इसके अंदर तीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है ऑक्सीजन को डोनेट कर दिया जाता है H3PO4। और तीसरे जो कंपोनेंट है वो इसके अंदर है नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन बेस। और नाइट्रोजन बेस के भी दो ग्रुप है यहाँ पर, एक ग्रुप तो प्यूरिन और दूसरा ग्रुप होता है पिरिमिडिन। पिरिमिडिन प्यूरिन के जो मेन एग्जांपल हैं उसमें एडिनिन, ग्वेनिन। पिरिमिडिन के एग्जाम्पल हैं थाइमिन और साइटोसिन। तो कुल मिला के इसके तीन रॉ मटेरियल हो गए न्यूक्लिक एसिड के। पहला रॉ मटेरियल डीऑक्सीराइबो शुगर, सेकंड कंपोनेंट फॉस्फोरिक एसिड, तीसरा कंपोनेंट नाइट्रोजन क्षार जो कि प्यूरिन और पिरिमिडिन के रूप में है। अब इनकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, इन रॉ मटेरियल से डीएनए बनेगा स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले इसमें न्यूक्लियोसाइड बनेगा, न्यूक्लियोसाइड फिर न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होता है,
न्यूक्लियोटाइड फिर पॉली न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होता है, पॉली न्यूक्लियोटाइड फिर डबल स्टैंड डीएनए में कन्वर्ट होता है, और डबल स्टैंड डीएनए जो होता है वो अंत में फिर हेलिकल डीएनए में कन्वर्ट होता है। तो इनकी फॉर्मेशन की स्टेप बाय स्टेप वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो डीएनए में तीन मेन कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट हो गया डीऑक्सीराइबोस शुगर, सेकेंड कंपोनेंट हो गया फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, और तीसरा कंपोनेंट है नाइट्रोजन क्षार। और नाइट्रोजन क्षार है वो यहाँ भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो डबल रिंग वाले एक सिंगल रिंग वाले। डबल रिंग वाले जो नाइट्रोजन बेस हैं इनको प्यूरिन के नाम से जाना जाता है, और सिंगल रिंग वाले जो नाइट्रोजन बेस है इनको पिरिमिडिन के नाम से जाना जाता है। तो प्यूरिन यहाँ पर दो तरह के हैं, एक तो एडिनिन और ग्वेनिन, और पिरिमिडिन में दो क्षार हैं थायमिन और साइटोसिन। ये इनके केमिकल फॉर्मूले हैं, ये एडिनिन का है, ये ग्वेनिन का है, ये थायमिन का है, ये साइटोसिन का है। अब इन रॉ मटेरियल से डीएनए कैसे बनेगा वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे यहाँ पर डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहली जो स्टेप होती है उसके अंदर न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन होती है, और न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन कैसे होगी, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, इसके मिलने से बनता है न्यूक्लियोसाइड। और इसमें एक मॉलिक्यूल पानी का निकलता है। अपनी बॉडी में जब भी मॉलिक्यूल की पैकिंग होगी पानी के मॉलिक्यूल हमेशा रिमूव होंगे, इसलिए ये कंडेंसेशन की रिएक्शंस हैं। अब ये नाइट्रोजन बेस जो है ये शुगर के पहले कार्बन से अटैच होता है। तो यहाँ पर प्यूरिन की जो थर्ड पोजीशन, प्यूरिन की जो नाइन्थ पोजीशन है ये शुगर के पहले कार्बन से अटैच होगी, और इसमें एक मॉलिक्यूल पानी का निकलेगा। तो यहाँ पर एडिनिन प्लस शुगर ये डीऑक्सीराइबोस शुगर, और शुगर के पहले कार्बन से नाइट्रोजन बेस है ये जुट जाता है, और इसमें एक मॉलिक्यूल पानी का रिमूव होता है। यहाँ पर शुगर के पहले कार्बन के साथ एडिनिन जुड़ता है और इसमें एक मॉलिक्यूल पानी का निकलता है। अब यहाँ पर शुगर का फर्स्ट कार्बन और एडिनिन की नाइन्थ पोजीशन, इसके बीच में जो CN बॉन्ड जो बन रहा है इसको बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बोलते हैं, और इसका बॉन्ड एंगल जो होता है ये होता है 51 डिग्री, और इस न्यूक्लियोसाइड को बोलेंगे डी ऑक्सी एडिनोसिन। RNA में इसको एडिनोसिन बोलेंगे, DNA है तो इसको बोलेंगे डी ऑक्सी एडिनोसिन। इसी तरह शुगर के फर्स्ट कार्बन से ग्वेनिन की नाइन्थ पोजीशन जुड़ती है, यहाँ भी बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनता है और इसका बॉन्ड एंगल 51 डिग्री होता है, और ये जो न्यूक्लियोसाइड बना इसको बोलेंगे डी ऑक्सी ग्वेनोसिन। इसी तरह शुगर के फर्स्ट कार्बन से ये थायमिन जुड़ता है और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल पानी का निकलता है, अभी इसको बोलेंगे डी ऑक्सी थायमिडिन। इसी तरह साइटोसिन की फर्स्ट पोजीशन से शुगर का फर्स्ट कार्बन अटैच होगा, इसमें भी एक मॉलिक्यूल पानी का रिलीज होगा, और ये जो न्यूक्लियोसाइड बनता है इसको बोलते हैं डीऑक्सीसाइटिडिन।
ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसको बोलेंगे डी ऑक्सी साइटिडी। तो डीएनए की सिंथेसिस में, डीएनए की फॉर्मेशन में सबसे पहली स्टेप होती है न्यूक्लियोसाइड की फॉर्मेशन। और न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, शुगर के पहले कार्बन के साथ नाइट्रोजन चार्ज जुड़ जाता है और इन दोनों बीच में बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बनता है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पर पानी का निकलता है। अब सेकेंड स्टेप में ये न्यूक्लियोसाइड ये कन्वर्ट होते हैं न्यूक्लियोटाइड में, और न्यूक्लियोसाइड जब न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होगा तो शुगर के पांचवें कार्बन के साथ फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो अटैच हो जाता है, शुगर के पांचवें कार्बन के साथ फॉस्फोरिक एसिड अटैच होगा और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल फिर पानी का निकलेगा, क्योंकि ये पैकिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पर मॉलिक्यूल की पैकिंग हो रही है और जो जो मॉलिक्यूल की पैकिंग होती है मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट होता जाता है, उसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो धीरे धीरे हटते जाते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में भी आपने देखा पानी का मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, सेकेंड स्टेप में भी पानी का मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस शुगर के पांचवें कार्बन पे CH2OH प्रेजेंट है और फॉस्फोरिक एसिड जो होता है उसके अंदर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन और एक OH ये दोनों मिलके एक पानी के मॉलिक्यूल में यहाँ पर रिमूव होंगे और ये जो न्यूक्लियोसाइड है ये कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियोटाइड के अंदर। तो न्यूक्लियोसाइड इज कन्वर्टेड इनटू न्यूक्लियोटाइड। अब इस शुगर के पांचवें कार्बन से ये फॉस्फोरिक एसिड जो है वो अटैच होगा और एक मॉलिक्यूल पानी का यहाँ पर रिमूव होता है। अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन रहा है COP कार्बन ऑक्सीजन फॉस्फोरस, इस बॉन्ड को बोलेंगे फॉस्फो मोनोएस्टर बॉन्ड। सिंगल न्यूक्लियोटाइड है तो ये बॉन्ड कहलाएगा फॉस्फो मोनोएस्टर बॉन्ड, लेकिन जब न्यूक्लियोटाइड पॉली न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस बॉन्ड को बोलेंगे 3-5 फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस के नीचे भी एस्टर बॉन्ड है ऊपर भी फॉस्फोर एस्टर बॉन्ड है, उस केस में इस बॉन्ड की नेचर जो होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी और यहाँ पर एक मॉलिक्यूल पानी का निकलता है। अब इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, पहले यहाँ पर इसको बोलते डीऑक्सी एडिनोसिन, अब इसका नाम चेंज होकर ये हो जाएगा डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड, डीऑक्सी एडिनिलिक एसिड, क्योंकि इस न्यूक्लियोसाइड के साथ एक फॉस्फोरिक एसिड है वो यहाँ पर अटैच हो रहा है H3PO4 और एक मॉलिक्यूल यहाँ पर पानी का निकल रहा है। इसी तरह डीऑक्सीग्वेनोसिन, इसके भी पांचवें कार्बन के साथ फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो अटैच होगा और ये डीऑक्सीग्वेनोसिन ये कन्वर्ट हो जाता है डीऑक्सी ग्वेनिलिक एसिड में, डीऑक्सी ग्वेनिलिक एसिड, यहाँ एक मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड का अटैच हो रहा है, एक मॉलिक्यूल पानी का यहाँ से रिमूव हो रहा है। इसी तरह डीऑक्सीथाइमिडिन, इसके साथ एक मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड का अटैच होगा और ये कन्वर्ट हो जाता है डीऑक्सीथाइमिडिलिक एसिड में, डीऑक्सी
थाइमिडिलिक एसिड, यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल पानी का रिमूव होता है और एक मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड का इसके साथ अटैच होता है। इसी तरह डीऑक्सीसाइटिडिन, इसके साथ भी शुगर के पांचवें कार्बन पर एक मॉलिक्यूल फॉस्फोरिक एसिड का अटैच हो जाएगा। और डीऑक्सीसाइटिडिन जो है ये अब कन्वर्ट हो जाता है डीऑक्सीसाइटिडिलिक एसिड में, डीऑक्सीसाइटिडिलिक एसिड। यहाँ पर H3PO4 एक मॉलिक्यूल जुड़ता है, एक मॉलिक्यूल पानी का यहाँ से रिमूव हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो फर्स्ट स्टेप के अंदर न्यूक्लियोसाइड बना शुगर और नाइट्रोजन क्षार के मिलने से। सबसे पहले स्टेप में न्यूक्लियोसाइड बनता है, फिर न्यूक्लियोसाइड में शुगर के पांचवें कार्बन पर फॉस्फोरिक एसिड जुड़ जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है न्यूक्लियोटाइड में। अब न्यूक्लियोटाइड जो होती है ये न्यूक्लिक एसिड की सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, इसलिए इस न्यूक्लियोटाइड को अपन मोनोन्यूक्लियोटाइड भी कह सकते हैं। दिस न्यूक्लियोटाइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोनोन्यूक्लियोटाइड। अब पहली स्टेप में भी पानी का मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है, सेकेंड स्टेप में भी पानी का मॉलिक्यूल रिमूव हो रहा है। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये मोनोन्यूक्लियोटाइड जो होता है ये अब कन्वर्ट होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर। तो मोनोन्यूक्लियोटाइड नाउ कन्वर्टेड इनटू पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड में परिवर्तित होता है तो इसमें भी इसके अंदर पानी के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो रिमूव होते हैं। और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनने की जो सीक्वेंस होती है वो 5-3 डायरेक्शंस में होती है, क्योंकि सबसे पहला जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें शुगर का पांचवा कार्बन फ्री रहेगा, और सबसे लास्ट का जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसमें शुगर का तीसरा कार्बन फ्री रहेगा। ये दो कार्बन ऐसे रहेंगे दोनों टर्मिनल एंड पे, जो किसी भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। बाकी शुगर के सारे कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट हो जाते हैं, और शुगर का सेकेंड कार्बन जो होता है ये कोई बॉन्ड नहीं बनाता है। इसका मेन रीजन क्या है, इसके साथ हाइड्रोक्सिल नहीं है, इसकी ऑक्सीजन पहले ही रिमूव हो गई है, इसलिए इस शुगर का सेकेंड कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन आरएनए में जो राइबोस शुगर होती है उसके सेकेंड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, और राइबोस शर्करा का सेकेंड कार्बन जो होता है, राइबोस में तो पाँचों कार्बन किसी न किसी प्रकार के बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन करते हैं। तो थर्ड स्टेप में ये जो न्यूक्लियोटाइड है मोनोन्यूक्लियोटाइड है ये अब कन्वर्ट होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो बनेगा वो भी एक सीरीज में बनेगा, और इसको मैं ये न्यूक्लियोटाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जब कन्वर्ट होगा तो एक के नीचे एक एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो आता जाएगा। अब जैसे ये डीऑक्सीग्वानिलिक एसिड है और इसके नीचे मैं डीऑक्सीथाइमिडिलिक एसिड कैसे जुड़ता है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये शुगर इस शुगर के साथ ये थायमिन जो है वो जुड़ा हुआ है,
ये शुगर का सेकंड कार्बन, ये शुगर का थर्ड कार्बन, ये शुगर का फोर्थ कार्बन। अब यहाँ पर चेंजिंग क्या आएगी, ऊपर वाली जो शुगर है इसके थर्ड कार्बन का हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इसके नीचे जो न्यूक्लियोटाइड है उसके पांचवें कार्बन से फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है। अब फॉस्फोरिक एसिड इस शुगर और इस शुगर इन दोनों के बीच में आता है और इसके अंदर पानी का मॉलिक्यूल जो होगा वो यहाँ पर रिमूव होगा। हाँ, ये ऑक्सीजन, इसको येलो कलर में जैसे रिप्रेजेंट करूँ मैं, इसी तरह इस तरफ ये सिचुएशन रहेगी। अब इस आगे वाली शुगर का तीसरा कार्बन, इसके नीचे जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी शुगर का पांचवा कार्बन, अब इन दोनों बीच में ये फॉस्फोरिक एसिड आ गया और यहाँ पर पानी के मॉलिक्यूल्स निकलते हैं। अब इस फॉस्फोरस के इधर, अब इसको लिखा कैसे जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन कार्बन, यानी इसको सीक्वेंस के रूप में आप रिप्रेजेंट करो तो इसका लिखने का जो तरीका हो गया कार्बन ऑक्सीजन फॉस्फोरस ऑक्सीजन कार्बन, ये मान लीजिए पहले वाली शुगर का तीसरा कार्बन है और ये इसके नीचे सेकंड जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी शुगर का पांचवा कार्बन है। इसलिए अब इस फॉस्फोरस के इधर भी एस्टर बॉन्ड है COP, इसके इधर भी एस्टर बॉन्ड है COP, इसलिए अब इस बॉन्ड को किस नाम से जाना जाएगा, 3,5-फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, 3,5-फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब इसी तरह इसके नीचे तीसरा न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा, उसके नीचे चौथा न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा, तो जो जो एक एक न्यूक्लियोटाइड एक के नीचे एक अटैच होते जाएंगे और आगे वाली शुगर का तीसरा कार्बन, उसके नीचे जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी शुगर का पांचवा कार्बन, इन दोनों के बीच में फॉस्फोरिक एसिड जो होता है वो अटैच हो जाता है और पानी का मॉलिक्यूल यहाँ पर निकलता है। तो यहाँ पर जो मोनोन्यूक्लियोटाइड था वो अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो बन रहा है ये एक सीरीज में बन रहा है, इसलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड को आप सिंगल स्टैंड RNA भी कह सकते हो, इट इज कॉल्ड एज सिंगल स्टैंड RNA। अब ये सिंगल स्टैंड RNA जो होता है ये अब नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट होगा डबल स्टैंड RNA में। तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड SSRNA नाउ कन्वर्टेड इंटू डबल स्टैंड RNA, लेकिन इस स्टेप में जब SSRNA DSRNA में कन्वर्ट होता है यहाँ पर कोई पानी का मॉलिक्यूल्स रिमूव नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान रखें। पहले स्टेप में पानी का मॉलिक्यूल निकल रहा है, सेकेंड स्टेप में पानी का मॉलिक्यूल निकल रहा है, थर्ड स्टेप में पानी का मॉलिक्यूल निकल रहा है और थर्ड स्टेप में पानी के मॉलिक्यूल कितने निकलेंगे, जितने न्यूक्लियोटाइड है उससे एक कम। मान लीजिए कोई सिंगल स्टैंड RNA है और उसके अंदर 10 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हैं तो उसमें 9 मॉलिक्यूल पानी के निकलेंगे, क्योंकि ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं ये दो शुगर के बीच में से निकल रहे हैं। जैसे मान लीजिए अंगुलियाँ 4 है, अब 4 अंगुलियों के बीच में खांच कितनी है, 3 है, इसीलिए 10 न्यूक्लियोटाइड होंगे तो 10 न्यूक्लियोटाइड के बीच में 9 खांच होगी और 9 खांच होगी तो 9 वाटर के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे। यानी मान लीजिए कोई सिंगल स्टैंड DNA और जिसमें 10 न्यूक्लियोटाइड है तो उस 10 न्यूक्लियोटाइड लंबे सिंगल स्टैंड DNA के बनने में टोटल 29 मॉलिक्यूल पानी के रिमूव होते हैं। ये कैसे निकलेंगे, पहली स्टेप में 10 न्यूक्लियोसाइड बने तो 10 मॉलिक्यूल यहाँ निकल गए
फिर ये 10 न्यूक्लियोसाइड 10 न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हुए, 10 पानी के मॉलिक्यूल यहाँ निकल गए, फिर ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होंगे तो उसके अंदर 9 मॉलिक्यूल फिर निकलेंगे, तो 10 + 10 + 9 टोटल 29 मॉलिक्यूल पानी के यहाँ पर रिमूव होते हैं। अब ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए डबल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट होगा, और एसएस डीएनए जब डीएस डीएनए में कन्वर्ट होता है तो उसमें पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं निकलते हैं लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं, और हर स्टेप में आप देख रहे हो अलग अलग तरह की बॉन्डिंग हो रही है। यहाँ पर पहली स्टेप के अंदर बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बन रहा है, सेकेंड स्टेप के अंदर फॉस्फो मोनोएस्टर बॉन्ड बन रहा है, थर्ड स्टेप में 3,5 फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बन रहा है, चौथी स्टेप के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं, और जितने ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे ये मॉलिक्यूल उतना ही कॉम्प्लेक्स होता जाएगा, उतना ही कॉम्पैक्ट होता जाएगा। लेकिन जब एसएस डीएनए जब डीएस डीएनए में कन्वर्ट होता है उसमें दो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं लेकिन एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, मान लो पहले स्टैंड में पांचवा सिरा ऊपर है, तीसरा सिरा नीचे है, तो दूसरे स्टैंड में तीसरा सिरा ऊपर होगा और पांचवा सिरा नीचे होगा। तो यहाँ पर डीएनए के जो दोनों फिलामेंट हैं डबल स्ट्रैंड डीएनए में, दोनों फिलामेंट एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है लेकिन एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। यहाँ पर एंटी पैरेलल अरेंजमेंट हो रहा है, और इस अरेंजमेंट में एडिनिन थाइमिन से जुड़ता है, ग्वेनिन साइटोसिन से जुड़ता है, एडिनिन और थाइमिन के बीच में दो बॉन्ड बनते हैं, ग्वेनिन और साइटोसिन के बीच में 3 बॉन्ड बनते हैं। तो आगे की जो स्टेप रहती है उसके अंदर एडिनिन थाइमिन के साथ जुड़ गया, ग्वेनिन साइटोसिन के साथ जुड़ गया, और ये जो रचना बनती है ये एक सीढ़ी के समान बनती है, इट इज़ जस्ट लाइक लैडर। इसलिए ये जो डीएनए होता है इसको सीढ़ीनुमा डीएनए भी बोलते हैं, इसको लैडर लाइक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर ये सीढ़ी के समान जो डीएनए होता है ये हेलिकल डीएनए में या कुंडलित डीएनए में कन्वर्ट होता है, जो कि डीएनए का एक्चुअल मॉडल होता है। अब इसका बेसिक जो बैकबोन है सिंपल तरीके में मैं आपको रिप्रेजेंट करूँगा, उसमें डिटेल फॉर्मूले जो है वो मैं काम में नहीं लूँगा। ये एक सिंपल डायग्राम है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए डबल स्ट्रैंड डीएनए में कैसे कन्वर्ट होता है। तो अभी जैसे मैंने बताया कि एसएस डीएनए जब डबल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट होता है उसमें डीएनए के दो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस एक दूसरे के एंटी पैरेलली अरेंज होती है, और एंटी पैरेलल अरेंजमेंट में क्या होगा, जैसे इस चेन का बैकबोन का पाँचवा सिरा ऊपर है तीसरा सिरा नीचे है, तो दूसरी जो पैरेलल जो सीक्वेंस है उसमें पांचवा सिरा नीचे है तीसरा सिरा ऊपर है, तो दोनों डीएनए की श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रतिपार्श्विक है, एक दूसरे के एंटी पैरेलल है लेकिन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री से यहाँ मतलब क्या हुआ, एडिनिन क्षार हमेशा थाइमिन से जुड़ेगा, ग्वेनिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा, एडिनिन और थाइमिन के बीच में हमेशा दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं, ग्वेनिन और साइटोसिन के बीच में हमेशा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो ये एक जो मॉडल है ये सीढ़ी के समान मॉडल है, इसको लैडर लाइक मॉडल भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो डबल स्ट्रैंड डीएनए जो होता है ये फिर हेलिकल डीएनए के अंदर कन्वर्ट होता है, और सेल में अलग अलग हेलिक्स के बेसिस पे 5 तरह के डीएनए की हेलिकल स्ट्रक्चर्स पाई जाती है जिनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जिसके अंदर ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। जेड डीएनए जो होता है वो इन विट्रो में पॉसिबल है, इन वाइवो में पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसको लेबोरेटरी में बनाया जाता है,
और ZDNA के लिए पहली कंडीशन होती है कि उसमें जो नाइट्रोजन बेस है, नाइट्रोजन जो क्षार हैं, वो प्यूरिन पिरिमिडिन प्यूरिन पिरिमिडिन प्यूरिन पिरिमिडिन इस तरह एकांतरित रूप में होना चाहिए। यानी पहला क्षार यदि एडिनिन है तो दूसरा ग्वेनिन होना चाहिए, तीसरा थाइमिन होना चाहिए, चौथा साइटोसिन होना चाहिए। तो प्यूरिन और पिरिमिडिन जब अल्टरनेट रूप से अरेंज होते हैं उस केस में ZDNA की फॉर्मेशन होती है, अदरवाइज ADNA BDNA CDNA DDNA की फॉर्मेशन होती है। और वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल प्रपोज किया था वो BDNA के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर जो हेलिकल DNA है, यहाँ पर मैं BDNA का डिस्क्रिप्शन आपसे शेयर करूँगा। अब यहाँ पर भी कोई पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं निकल रहे हैं, केवल हाइड्रोजन बॉन्ड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। और हर स्टेप में मैंने बताया अलग अलग तरह की बॉन्डिंग फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर बीटा ग्लाइकोसाइड बॉन्ड बना, यहाँ पर फॉस्फो मोनोएस्टर बॉन्ड बना, यहाँ पर 3,5 फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड बना, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे। और जितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे वो DNA का मॉलिक्यूल उतना ही कॉम्पैक्ट होता है, उतना ही वो मजबूत होता है, उसका गलनांक उतना ही ज़्यादा होता है। और इसके पीछे एक बेसिक आइडिया ये है कि एडिनिन और थाइमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ग्वेनिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। इसलिए ग्वेनिन साइटोसिन को यदि तोड़ना है तो इसमें एडिनिन थाइमिन को तोड़ने की तुलना में ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। या जिस DNA में ग्वेनिन साइटोसिन की कंटेंट ज़्यादा है उसका मेल्टिंग पॉइंट, उस DNA का गलनांक एडिनिन थाइमिन वाले DNA की तुलना में ज़्यादा होता है। क्यों? ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं तो ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये हेलिकल DNA बने उससे पहले मैं दो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है वो मैं आपसे यहाँ शेयर करूँगा, जिसमें एक तो साइंटिस्ट हैं चारगाफ, फर्स्ट साइंटिस्ट ई चारगाफ, और सेकंड जो साइंटिस्ट है वो है विल्किंस। अब चारगाफ ने क्या बताया कि कोई भी DNA मॉलिक्यूल हो उसमें प्यूरिन और पिरिमिडिन का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है, लेकिन ये रेशियो अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग होता है, है जैसे एडिनिन प्लस थाइमिन अपॉन ग्वेनिन प्लस साइटोसिन, यदि ये रेशियो एक पर्टिकुलर जाति के सदस्यों के लिए हमेशा कांस्टेंट होता है, जैसे ह्यूमन के लिए ए प्लस टी अपॉन जी प्लस थ्री सी रेशियो कांस्टेंट है, बंदर के लिए रेशियो अलग तरह का है, गिलहरी के लिए अलग तरह का है, मेंढक के लिए अलग तरह का है, लेकिन ए प्लस टी और जी प्लस सी का जो रेशियो है ये हर जाति के सदस्यों में कांस्टेंट होगा, या ये रेशियो कह सकते हैं कि जाति विशिष्ट होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। अब इस रेशियो में यदि कोई चेंजिंग आ रही है, इट मीन्स DNA के अंदर म्यूटेशन की घटना जो है वो संपादित हो रही है। मान लो अपने ह्यूमन के अंदर सपोज DNA में ग्वेनिन साइटोसिन की मात्रा मान लीजिए बढ़ गई, अब G और C की मात्रा बढ़ गई, A और T की मात्रा कम हो गई, उस केस में रेशियो क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। तो रेशियो ये डेबिट हो रहा है इसका मतलब डेफिनेटली DNA के अंदर म्यूटेशन हो रहा है, उस प्राणी के अंदर अलग तरह की वेरिएशंस डेवलप हो रही है। अब वो वेरिएशन यूजफुल होगी यूजलेस होगी ये नेचर के द्वारा सेलेक्ट होती है, और नई स्पीशीज़ की जो फॉर्मेशन होती है उसमें ये रॉ मटेरियल का काम करती है। तो चारगाफ का ये कंसेप्ट है। चारगाफ कंसेप्ट क्या कहता है कि किसी भी प्राणी में किसी भी प्रजाति के सदस्यों में एडिनिन थाइमिन और ग्वेनिन साइटोसिन का जो अनुपात होता है ये अनुपात हमेशा निश्चित होता है, लेकिन अलग अलग जातियों में ये अनुपात अलग अलग होता है, और ये रेशियो स्पीसीज स्पेसिफिक होता है। इस रेशियो में जब भी कोई डेविएशन होता है, कोई विचलन होता है, इट मीन्स मॉलिक्यूल लेवल पर म्यूटेशन की परिघटना हो रही है और इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, नेचुरल सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो वहाँ पर संपादित हो रहा है। तो ये चारगाफ का कॉन्ट्रीब्यूशन था। इसके बाद में सेकेंड जो साइंटिस्ट है विल्किंस ने क्या किया कि जो DNA का जो मॉडल था इनकी इन्होंने एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की
और इन्होंने डीएनए का ऊपर से एक्सरे किया, एक्सरे मॉडल। ये मॉडल कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई 50 मंजिली इमारत है और उसके चारों ओर यूँ गोलाकार सीढ़ियाँ जैसे चढ़ने की है। अब इन सीढ़ियों का आप ऊपर से फ़ोटो कैसे लेते हो, 50 मंजिल पे चढ़ के इन हेलिकल सीढ़ियों का ऊपर से आप कैमरे से फ़ोटो कैसे लेते हो, वो फ़ोटो कैसा आता है, उसके बारे में इनकी आइडिया है। तो विल्किंस ने क्या किया, ये डीएनए है, ये बॉल पेन में जो स्प्रिंग होती है उस स्प्रिंग के जैसे मॉडल है, और स्प्रिंग की जैसे अपन ऊपर से फ़ोटो लेते हैं उसी तरह इन्होंने डीएनए की फ़ोटो ली। ये फ़ोटो ली तो इन्होंने पाया कि डीएनए का जो व्यास है डायमीटर, वो डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होता है। डीएनए के एक हेलिक्स की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक हेलिक्स में 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं, दो लगातार नाइट्रोजन क्षार के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का अंतराल होता है। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा डीएनए के आर्किटेक्चर के बारे में, डीएनए का जो कॉन्फ़िगरेशन है, डीएनए में जो इंटरवेल है उनके बारे में एक बेसिक आइडिया लगी। वो आइडिया क्या लगी, डीएनए के हेलिक्स की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम है, डीएनए का डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम है, और दो कॉन्जिक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का इंटरवेल है। इसके बाद में फिर नेक्स्ट जो कॉन्ट्रीब्यूशन आया तीसरा, वो कॉन्ट्रीब्यूशन था वाटसन और क्रिक का। तो डीएनए का जो एक्चुअल जो मॉडल है, बी डीएनए जिसको अपन बोलते हैं, ये मॉडल वाटसन और क्रिक ने प्रपोज किया था। और ये जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया है, ये वाटसन और क्रिक के मॉडल का डायग्राम है। अब इस मॉडल के मेन मेन जो पॉइंट्स हैं, मेन मेन जो इसके कंक्लूजन्स हैं, वो मैं आपको शेयर कर दूँ। पहली बात तो वाटसन और क्रिक का जो मॉडल है ये बी डीएनए के नाम से जाना जाता है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, इस डीएनए में जो स्ट्रैंड है वो दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, लेकिन एक दूसरे के एंटी पैरेलल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, ये पांचवा सिरा है तो इसका तीसरा सिरा इधर है, इसी तरह इधर तीसरा सिरा है, इधर पांचवा सिरा है। तो बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, बट दे आर एंटी पैरेलल इन अरेंजमेंट। इसके अलावा डीएनए के हेलिक्स की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होगी, डीएनए का डायमीटर 20 एंगस्ट्रॉम होगा, एक हेलिक्स में 10 जोड़ी न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसलिए दो क्रमिक न्यूक्लियोटाइड के बीच में, दो सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम का अंतराल होगा। और ये जो कॉइलिंग है ये क्लॉकवाइज होती है, हेलिकल कॉइलिंग है, क्लॉकवाइज कॉइलिंग है, और इस कॉइलिंग में दो खांच बनती है, एक तो संकरी खांच जिसको माइनर ग्रूव बोलते हैं, और इसके जस्ट अपोजिट साइड में बनती है मेजर ग्रूव। और इस डीएनए में दोनों तरफ ये अल्टरनेट होती है, माइनर ग्रूव, मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव। माइनर ग्रूव के सामने हमेशा मेजर ग्रूव होगी, मेजर ग्रूव के सामने हमेशा माइनर ग्रूव होगी। तो माइनर ग्रूव, मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव, मेजर ग्रूव, इसी तरह इस डायरेक्शन में मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव, मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव। और माइनर ग्रूव जो होती है, माइनर ग्रूव का इंटरवेल उतना ही होगा जितना दो लगातार न्यूक्लियोटाइड के बीच में अंतराल है। तो यहाँ पर दो क्रमिक न्यूक्लियोटाइड के बीच में यदि 3.4 एंगस्ट्रॉम का इंटरवेल है तो ये संकरी खांच है, ये भी 3.4 एंगस्ट्रॉम होगी। और मेजर ग्रूव जो होती है ये हमेशा इसकी तीन गुना होती है, यानी 3.4 को 3 से गुना कर दो तो 10.2 एंगस्ट्रॉम। और ये बेसिक फॉर्मूला है, कोई भी चीज़ हो, मान लीजिए मैं जैसे खड़ा हूँ और आपको मान लीजिए आइडिया लगानी हो मेरी कमर का नाप कितना है, तो आपको जो ये जो विड्थ दिख रही है मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मान लीजिए आपको 12 इंच दिखाई दे रही है, तो 12 इंच को आप 3 से गुना कर दो, 36, यानी मेरी कमर की जो मोटाई है वो 36 इंच है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट होता है, बेसिक एक आइडिया है जो मैंने आपसे शेयर करी है। तो अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल, डीएनए इज मेड अप ऑफ डबल स्ट्रैंड्स, बोथ स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल टू ईच अदर। एडिनिन हमेशा थायमिन से जुड़ेगा, ग्वेनिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा। एडिनिन और थायमिन के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाएंगे, ग्वेनिन साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाएंगे, और इन हाइड्रोजन बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो 2.85 से लेकर 3.05 एंगस्ट्रॉम तक होती है, 2.85
टू 3.05 एंगस्ट्रॉम। तो ये एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन का पैटर्न है, ये इसकी स्टेप्स है। तो सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड बनेगा, न्यूक्लियोसाइड फिर न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होगा, न्यूक्लियोटाइड फिर पॉली न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट होगा, जिसको सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बोल सकते हैं। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए फिर डबल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट होता है, जो कि सीढ़ी के समान होता है, इसको लैडर लाइक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। और अंत में ये डबल स्ट्रैंड डीएनए ये हेलिकल डीएनए में कन्वर्ट होता है। लेकिन हेलिकल डीएनए जब बनेगा उसमें विशिष्ट एंजाइमों की आवश्यकता होती है और ये एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है। अब ये डीएनए जब आगे क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है, क्रोमोनिमेटा में कन्वर्ट होता है, क्रोमेटिड में कन्वर्ट होता है, लास्ट में क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन जो होती है, विशेषकर यूकैरियोट्स में, प्रोकैरियोट में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, प्रोटोजोआ के अंदर भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, तो फाइलम पोरीफेरा से इस डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो भी अटैच होना स्टार्ट हो जाती है, और उस केस में न्यूक्लियोसोम नामक रचनाएँ जो है वो बनती है। अब न्यूक्लियोसोम की असेंबली कैसे होती है, न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, ये एक अलग व्याख्यान के तहत मैं आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन जो है वो आपसे शेयर करूँगा। तो ये एक बेसिक आइडिया एक नट सेल में डीएनए की स्ट्रक्चर और डीएनए की फॉर्मेशन, डीएनए की सिंथेसिस। अब इसमें कुछ एस्पेक्ट और हैं डीएनए का, एक तो टाइप्स, हेलिकल की बेसिस पे इनकी टाइप्स होती है, स्टैंड की बेसिस पे इनकी टाइप्स होती है, और कुछ जनरल टर्मिनोलॉजी है जो डीएनए के संदर्भ में काम में ली जाती है, उस पर मैं आपसे शेयर करूँगा। तो डीएनए की टाइप्स के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा, और डीएनए को कई बेसिस पे इसका नोमेनक्लेचर है वो किया जाता है, हेलिक्स की बेसिस पे किया जाता है, इसमें जो स्टैंड्स हैं उसकी बेसिस पे किया जाता है, सेल के अंदर ये कहाँ लोकेट है उसकी बेसिस पे इनको किया जाता है, और कई स्पेशल जो क्राइटेरिया है उसकी बेसिस पे साइंटिस्ट ने अलग अलग टर्मिनोलॉजी है वो प्रतिपादित की है। तो पहला जो इसका क्लासिफिकेशन है टाइप्स का, वो हेलिक्स की बेसिस पे है, और हेलिक्स की बेसिस पे डीएनए 5 प्रकार के होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। वाटसन और क्रिक ने जो मॉडल प्रपोज किया था वो बी डीएनए का मॉडल था, और एग्जाम में जनरली जो क्वेश्चन आता है वो इसी मॉडल्स के ऊपर ही आता है। अब इन डीएनए की जो साइज है, ए डीएनए सबसे छोटा होता है, जेड डीएनए सबसे बड़ा होता है, ए डीएनए स्मॉल, बी सी डी ये मीडियम साइज के हैं, जेड डीएनए सबसे बड़ा है। इनका जो डायमीटर जो है हेलिक्स का, ए डीएनए में 22 एंगस्ट्रॉम, बी डीएनए में 20 एंगस्ट्रॉम, सी डीएनए में 19 एंगस्ट्रॉम, डी डीएनए में 19.5 एंगस्ट्रॉम और जेड डीएनए में 18.5 एंगस्ट्रॉम। इनमें जो कुंडलन की जो टाइप है, ए डीएनए में क्लॉकवाइज डेक्स्ट्रल कॉइलिंग है, राइट हैंडेड, बी में भी क्लॉकवाइज, सी में क्लॉकवाइज, डी में क्लॉकवाइज और जेड डीएनए में एंटी क्लॉकवाइज कॉइलिंग होती है, एंटी क्लॉकवाइज या लेवोरोटेटरी या सिनिस्ट्रल टाइप की। इनकी सबसे छोटी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, ए डीएनए में सबसे छोटी यूनिट होती है मोनोन्यूक्लियोटाइड, बी में भी मोनोन्यूक्लियोटाइड, सी में भी मोनोन्यूक्लियोटाइड, डी में भी मोनोन्यूक्लियोटाइड, और जेड डीएनए में सबसे छोटी यूनिट है वो डाइन्यूक्लियोटाइड होती है, क्योंकि इसमें अल्टरनेट अरेंजमेंट चाहिए, प्यूरिन और पिरिमिडिन एकांतरित रूप में हों तभी जेड डीएनए की फॉर्मेशन होती है, अदरवाइज इन चारों में से कोई भी वैरायटी है वो बन सकती है। एक हेलिक्स में कितने जोड़ी नाइट्रोजन क्षार होंगे, ए डीएनए में 11 जोड़ी हैं, बी में 10 जोड़ी हैं, सी के अंदर 9.5 पेयर हैं, डी के अंदर 8 जोड़ी हैं, जेड डीएनए के अंदर 12 जोड़ी हैं। अब एक हेलिक्स की लंबाई कितनी होगी, ए डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है 28.10 एंगस्ट्रॉम, बी डीएनए की 34 एंगस्ट्रॉम, सी डीएनए की 25.8 एंगस्ट्रॉम, डी डीएनए की 24.24 एंगस्ट्रॉम और जेड डीएनए की लंबाई 45 एंगस्ट्रॉम। अब इसमें आप देख रहे हो जेड डीएनए है वो है सबसे लंबा है, और सबसे छोटी जो हेलिक्स लेंथ है वो डी डीएनए की है, और इनमें दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में अंतराल कितना होगा, तो अंतराल के लिए सीधा सा फॉर्मूला है, जैसे 34 एंगस्ट्रॉम लंबाई है और इसमें 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार है, 34 में 10 का भाग दे दो तो 3.4, तो
तो दो कॉन्जिक्यूटिव दो सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड के बीच में कितना अंतराल होना चाहिए, ए डी एन ए में 2.56 एंगस्ट्रॉम, बी डी एन ए में 3.4 एंगस्ट्रॉम, सी डी एन ए में 3.32 एंगस्ट्रॉम, डी डी एन ए में 3.03 एंगस्ट्रॉम और जेड डी एन ए में 3.75 एंगस्ट्रॉम। तो दो डी एन ए के बीच में सबसे ज़्यादा जो अंतराल है वो जेड डी एन ए के अंदर है और सबसे कम जो अंतराल है वो ए डी एन ए के अंदर है। अब क्वेश्चन है कि क्या ये डी एन ए एक दूसरे में रूपांतरित हो सकते हैं, क्या इन डी एन ए की फॉर्मेशन के लिए केंद्रक में कोई पर्टिकुलर सिचुएशंस चाहिए, एनवायरमेंटल कंडीशंस। तो अपनी बॉडी में सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म भरा हुआ है, अब ये प्रोटोप्लाज्म में केंद्रक के बाहर जो प्रोटोप्लाज्म का भाग है वो साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाएगा और केंद्रक में जो फ्लूइड भरा हुआ है उसको कैरियोप्लाज्म के नाम से जाना जाएगा। और अपनी सेल के अंदर लगभग 34 एलिमेंट्स हैं जो कि एटॉमिक फॉर्म में भी हैं और कुछ आयनिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ए डी एन ए की फॉर्मेशन कब होगी, जब केंद्रक में कैरियोप्लाज्म कम हो और सोडियम आयन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। बी डी एन ए की फॉर्मेशन कब होगी, जब कैरियोप्लाज्म ज़्यादा हो सोडियम आयन की मात्रा कम हो। सी और डी एन ए की फॉर्मेशन ये स्पेशल एनवायरमेंटल कंडीशंस में होती है और जेड डी एन ए जो होता है ये जनरली जीवित कोशिकाओं में नहीं बनता है, लेकिन लेबोरेटरी में इस डी एन ए को आप संश्लेषित कर सकते हो, इसलिए इन विट्रो में इसका संश्लेषण है वो पॉसिबल है। क्योंकि जेड डी एन ए के लिए कंडीशन है, इसमें जो नाइट्रोजन क्षार चाहिए न्यूक्लियोटाइड चाहिए वो प्यूरिन पिरिमिडिन प्यूरिन पिरिमिडिन प्यूरिन पिरिमिडिन इस तरह एकांतरित रूप से होना चाहिए। और नॉर्मल जो डी एन ए होता है उसमें अल्टरनेट सीक्वेंस हो सकता है, कुछ डी एन ए मान लीजिए 10 मीटर लंबा है तो छोटे से पार्ट में हो सकता है अल्टरनेट सीक्वेंस मिल जाए, लेकिन पूरे डी एन ए में अल्टरनेट सीक्वेंस मिलना वो लगभग असंभव सही है। इसलिए जेड डी एन ए जो होता है इसको प्रयोगशाला में अपन इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं और बाकी जो डी एन ए होते हैं वो एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते रहते हैं। ए डी एन ए बी में कन्वर्ट हो सकता है, बी डी एन ए में कन्वर्ट हो सकता है, ए डी एन ए डी डी एन ए में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये डिपेंड करता है केंद्र के अंदर की स्थिति कैसी है, केंद्र के अंदर की जो फ्लूड जो पोजिशन है कैरियोप्लाज्म की जो पोजिशन है वो कैसी है, उसका केमिकल कंपोजिशन कैसा है, उसमें कौन से आयन्स की प्रचुरता है, उसके अकॉर्डिंग ये डीएनए के प्रतिरूप एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। अब ये तो हेलिक्स की बेसिस पे टर्मिनोलॉजी थी, इसके अलावा कुछ पॉपुलर टर्मिनोलॉजी और है डीएनए की, वो मैं आपसे बहुत ही संक्षेप में जैसे शेयर करूँगा। और जैसे SSDNA सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए किसको बोलेंगे, ऐसा डीएनए जिसमें डीएनए का केवल एक ही फिलामेंट हो। तो विशेषकर जो प्रोकैरियोट्स हैं कुछ प्लांट स्पीसीज हैं उनके अंदर सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जो होता है वो पाया जाता है। DSDNA यानी डबल स्ट्रैंड डीएनए, ऐसा डीएनए जिसमें डीएनए के दो फिलामेंट हों दो स्ट्रैंड्स हों। तो अभी जो अपने मॉडल जो डिस्कस किया ये डबल स्ट्रैंड डीएनए था। इसके अलावा ट्रिपल स्ट्रैंड डीएनए, ऐसा डीएनए जिसके अंदर डीएनए के तीन फिलामेंट हों तीन स्ट्रैंड हों। क्वाड्री स्ट्रैंड डीएनए, ऐसा डीएनए जिसके अंदर डीएनए के चार स्ट्रैंड हों। न्यूक्लियर डीएनए, ऐसा डीएनए जो केंद्र के अंदर पाया जाता है। न्यूक्लियोलर डीएनए, ऐसा डीएनए जो केंद्रिका में पाया जाता है। सेंट्रियोलर डीएनए, ऐसा डीएनए जो सेंट्रियोल में सेंट्रोसोम में पाया जाता है। सेंट्रोमेरिक डीएनए, ऐसा डीएनए जो सेंट्रोमियर में पाया जाता है।
एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, ऐसा डीएनए जो केंद्र के अलावा अन्य रचनाओं में अन्य स्थानों पर प्रेजेंट हो। क्लोरोप्लास्टिक डीएनए, ऐसा डीएनए जो पौधों में क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, ऐसा डीएनए जो माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। योकी डीएनए, ऐसा डीएनए जो योक के अंदर पाया जाता है। इसके अलावा सी डीएनए, अब सी से कई शब्द आते हैं, सर्कुलर डीएनए कोई हो, वर्ताकार डीएनए जैसे प्रोकैरियोट में बैक्टीरियम पाया जाता है उसको सी डीएनए बोलेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो होता है पूरक उसको सी डीएनए बोलेंगे। हाइब्रिड डीएनए जो होता है काइमेरिक उसको सी डीएनए बोलेंगे। कोई डीएनए बंद हो जिसमें पांचवा सिरा तीसरा सिरा नहीं हो, क्लोज डीएनए, उसको भी सी डीएनए बोलेंगे। क्लोनिंग के द्वारा जो डीएनए बनता है उसको भी सी डीएनए बोलेंगे। तो यहाँ पर सी के कई अर्थ हैं, सी फॉर कॉम्प्लीमेंट्री, सी फॉर क्लोज, सी फॉर सर्कुलर, सी फॉर काइमेरिक, सी फॉर क्लोनल डीएनए। हाँ, इसके अलावा दो टर्म और मैं शेयर करूँगा। हाँ, एक तो इसमें है पैलिंड्रोम डीएनए, पैलिंड्रोम डीएनए। हाँ, पैलिंड्रोम डीएनए कौन सा होगा? ऐसा डीएनए जिसमें पांचवें सिरे से तीसरे सिरे की ओर नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस एक जैसी हो, इस तरह का जो डीएनए होता है वो पैलिंड्रोम डीएनए के नाम से जाना जाता है। जैसे ये मान लीजिए डीएनए का पांचवा सिरा और इसमें नाइट्रोजन बेस की सीक्वेंस है, मान लीजिए एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, 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 ग्वानिन, थाइमिन, एडिनिन। ये इसका तीसरा सिरा, इधर इसका ये पांचवा सिरा। अभी सीक्वेंस में आप देख रहे हो इस फिलामेंट में पांचवें सिरे से तीसरे सिरे की तरफ जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस इस नीचे वाले स्टैंड में 5-2-3 डायरेक्शंस में है, जैसे ए टी जी सी, सी जी जी सी ए टी, यही सेम सीक्वेंस इसमें ए टी जी सी, सी जी जी सी ए टी। और कई बार कुछ बुक्स में इस तरह की सीक्वेंस के लिए ये शब्द भी लिखा हुआ मिलता है, एंड मैडम डीएनए। अब इस सेंटेंस को आप इधर से यदि पढ़ते हो तो ये पढ़ा जाता है एंड मैडम डीएनए, और इसी सीक्वेंस को आप यदि इस डायरेक्शन में पढ़ते हो तो ये सीक्वेंस पढ़ी जाती है एंड मैडम डीएनए। तो ऐसा डीएनए जिसमें पांचवें सिरे से तीसरे सिरे की ओर सीक्वेंस यदि सेम हो तो ऐसी श्रृंखलाएँ पैलिंड्रोम सीक्वेंस के नाम से जानी जाती है। और आगे जब रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस होता है, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है, वहाँ पर इन श्रृंखलाओं का बहुत सिग्निफिकेंस होता है और ये सिग्नल के रूप में वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। हाँ, एक शब्द इसमें और पॉपुलर है, दैट इज़ मिरर इमेज डीएनए, मिरर इमेज डीएनए। ये जो श्रृंखला होती है ऐसा लगता है जैसे डीएनए दर्पण के सामने है, मिरर इमेज, जैसे मान लें मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और मेरे साइड में यहाँ पर मिरर हो तो मेरी जस्ट इमेज दर्पण के अंदर दिखाई देगी। और इस तरह का जो डीएनए होता है उसको आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे मान लीजिए एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन,
साइटोसिन, ग्वेनिन, थाइमिन, एडिनिन, अब इसमें ये इसका मिरर पॉइंट है। अब इसमें सीक्वेंस आप देख रहे हो ATGC, इसका जस्ट दर्पण प्रतिरूप CGTA, इधर से आप पढ़ते हो तो ATGC, इधर से पढ़ते हो ATGC, इसी तरह इसमें भी TACG, और इधर से आप पढ़ोगे तो TACG। तो कई बार DNA में इस तरह की श्रृंखलाएं जो होती है वो भी देखने को मिलती है, और इस तरह की जो सीक्वेंस होती है उसको मिरर इमेज सीक्वेंस के नाम से, मिरर इमेज DNA के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी हैं जो पॉपुलर हैं और एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से ये पूछी जाती है, और इसका मेन जो ये कंपेरेटिव जो अकाउंट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इस पर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर बड़े क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और UG लेवल पर शॉर्ट नोट्स के रूप में इस तरह की श्रृंखलाएँ जो होती है वो पूछी जाती है। तो ये ओवरऑल एक नट सेल में DNA के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मेशन का तरीका, इनकी मेन मेन टाइप्स, इनके हेलिकल पैटर्न, इनकी सिग्निफिकेंस, और इसके अलावा हर DNA के अंदर थर्मल प्रॉपर्टीज होती है, हर DNA के अंदर बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है, हर DNA में केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, और हर प्रॉपर्टीज़ में अलग अलग व्याख्यान जो होते हैं बन सकते हैं, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये एक्चुअल में मॉलिकुलर बायोलॉजी का टॉपिक है, जेनेटिक्स का तो है ही, लेकिन अब आगे जो चैप्टर आएंगे वो मॉलिकुलर बायोलॉजी के चैप्टर हैं, जिसमें न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर्स, उसके बाद जेनेटिक कोड भी अपन डिस्कस करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, ट्रांसलेशन कैसे होता है, जीन का रेगुलेशन कैसे होता है, माइक्रोब में माइक्रोबियल जेनेटिक्स है, बैक्टीरिया वायरस की जो जेनेटिक्स है, तो ये 5-7 जो टॉपिक हैं ये मॉलिकुलर बायोलॉजी के टॉपिक हैं, और इन सभी पे मैं आपसे टाइम टाइम पे इनकी एपिसोड अपन डिलीवर करेंगे, और इन टॉपिक को फेसबुक के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू इनको लाइव टेलीकास्ट भी हम करेंगे जब भी मौका मिलेगा। तो आप सभी विद्यार्थी हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, कॉलेज के चैनल के थ्रू, पर्सनल कॉन्टैक्ट के थ्रू आप संपर्क में रहें, और इन व्याख्यानों का आप नियमित है वो लाभ उठाते रहें। और एक बार मैं अंत में हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, मेरी तरफ से आई एम हाईली थैंकफुल टू यू, आई एम हाईली ग्रेटफुल टू यू, हैव ए गुड डे, हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।